क्षमा गुरुदेव, परीक्षा के लिए क्या मूक पक्षियों को लक्ष्य बनाना उचित है? परीक्षा में धनुर्धर की योग्यता को परखना होता है, क्या युवराज के पास कोई और विधि है? लगाइए लक्ष्य स्थल पर, जो जितना केंद्र के निकट होगा उतना ही दूसरों के आगे। युद्ध में थाल और कटोरों पे बाण नहीं चलाते अनुज, रणभूमि में क्षत्रिय जीवन और मृत्यु पे खेलते हैं। अरे यदि उड़ते पक्षियों को नहीं मार सकते तो शत्रु तुम्हें मार देंगे। युद्ध रणभूमि में खेला जाता है जयेश, यहाँ नहीं, और वो भी अनिवार्य हो तब। यहाँ तो केवल परीक्षा के लिए निर्दोष पक्षियों को लक्ष्य बनाया जा रहा है, ये उचित नहीं। उपदेश साधु संत देते हैं, क्षत्रिय नहीं, यहाँ तो केवल परीक्षा दी जाती है। ये भीरुता के व्यर्थ कारण नहीं। कुमार देवदत्त सत्य कह रहे हैं, होने वाले सम्राट को लक्ष्य का छोप कैसा। युवराज, वैसे भी आपको शस्त्र विद्या में रुचि नहीं है, हम आपकी परीक्षा बाद में लेंगे। गुरुदेव, आज एक नहीं दो पक्षी उड़ाइए, मैं दोनों लक्ष्य एक साथ भेटूंगा। बड़ा धनुर्धर कोई है ही नहीं। कुमार देवदत्त की, 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 कुमार देवदत्त की। जाओ, अब तुम्हारी बारी है, एक बार अपने तीर से उड़ते हुए रक्त को देखो, कितना आनंद मिलता है। जाओ सिद्धार्थ, अब तुम्हारी बारी है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं ये परीक्षा नहीं दे सकता। तो ठीक है गुरुदेव, परीक्षा समाप्त हुई, मुझे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाए। जी गुरुदेव, अब ज्येष्ठा को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दें। मैं पक्षियों को नहीं मार सकता। सिद्धार्थ, तुम्हें परीक्षा देनी होगी, ये मेरा आदेश है। गुरुदेव, आप मेरी यही परीक्षा लेना चाहते हैं ना, कि मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं कि नहीं। तो लक्ष्य कोई दूसरा भी हो सकता है। हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन लक्ष्य उतना ही कठिन होना चाहिए जितने ये उड़ते हुए पंछी। ज्येष्ठ, अब आप इसे अपनी पूरी शक्ति से ऊपर उछालिए, इतना ऊपर उछालिए कि ये मोती बिंदु के रूप में भी ना दिखाई। क्यों अपना उपहास कराने पे चले हो? गुरुदेव,
पुत्र कुमार देवदत्त। और महाराज शुद्धोदन के सुपुत्र और कपिल वस्तु के भावी सम्राट युवराज सिद्धार्थ गौतम। ये लो दंड और कर लो अपनी मंशा पूरी। आज ये प्रमाणित कर दो कि तुम्हारे दंड और कृष्ण के सुदर्शन में कोई भेद नहीं। वो जब भी चला सत्य के लिए चला, आज तुम्हारा ये दंड भी चलेगा तो सत्य के लिए। अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रजा का विश्वास जीतने के लिए, जाओ विजयी। कौन दिन तू लाख चकर कर, परंतु युवराज के साहस पे तो मैंने पराजय की कील ठोक दी। तुम्हारी युवराज प्रतिवार क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी युवराज मतलब? युवराज तुम्हारे भी तो हैं। हाँ मेरे भी तो हैं। तुम मुझ पे प्रहार क्यों नहीं करते सिद्धार्थ? तुम जानते हो ज्येष्ठ, मैं तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। मान सम्मान का तुम्हारा ये प्रपंच मैं समझता हूँ सिद्धार्थ, परंतु आज तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। प्रहार करो मुझ पे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ प्रहार करो या अपनी हार स्वीकार करो। ये क्या कर रहे हो तुम? कपिलवस्तु के भावी सम्राट के हाथ कांप रहे हैं गुरुदेव। सिद्धार्थ, मैं ज्येष्ठ पर प्रहार नहीं कर सकता गुरुदेव। आचार्य कौंडिन्य, तो क्या मैं देवदत्त को कपिलवस्तु का सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित कर दूं? नहीं, विजय भीख में नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें प्रहार करना होगा। ये युद्ध नहीं केवल एक परीक्षा है। गुरुदेव, मैं चाहकर भी हाथ नहीं उठा पाऊंगा। तुम सबके समक्ष ये स्वीकार करो कि तुम कर हो। मेरी प्रतिभा से भय लगता है तुम्हें, स्वीकार करो। सिद्धार्थ, अब तुम्हें किसी एक विकल्प का चयन करना है। या तो तुम्हें प्रहार करना है, या फिर आज के बाद आचार्य कौंडिन्य को भूल जाना है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं और तुम मेरे शिष्य नहीं। गुरुदेव, यदि तुम इस परीक्षा में विजय न हुए तो मेरा सिखाया सब मिथ्या है। ना समझ पशु पक्षी भी समय आने पर
चुनौती स्वीकार कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तुम तो मनुष्य हो, मत भूलो अतल वितल भूतल पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा कर्म के अधीन है, कर्माधीन है। पर ज्येष्ठ इतने भावनाशील मत बनो सिद्धार्थ, केवल अपना कर्म करो। यादव, बादल का मूल्य वर्षा से, पेड़ का मूल्य फल से, तलवार का मूल्य धार से, उसी तरह एक क्षत्रिय का मूल्य प्रतिभावान योद्धा बनने से। सिद्धार्थ, मैं जा रहा हूं, यदि मुझे रोकना चाहते हो तो युद्ध करो। अतल वितल भूतल पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा कर्म के अधीन है, कर्माधीन। केवल अपना कर्म करो, केवल अपना कर्म करो। प्रहार मैं अपने लिए नहीं, गुरु आज्ञा से कर रहा हूं। पहला प्रहार गुरु के लिए। दूसरा माता पिता की अपेक्षा के लिए। तीसरा प्रजा का विश्वास पाने के लिए।
सारे कपिल वस्तु को शोभा यात्रा का आयोजन करो। सेनापति जी महाराज, ऐसा कुछ करो कि शाक्यों के राजकुमारों की कीर्ति मगध और कौशल राज तक पहुंचे। युवराज सिद्धार्थ की।